एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। आज मैं कंपेयर कर रही हूँ जर्मनी वर्सेस लक्जमबर्ग, और दोनों कंट्रीज में से कौन सी कंट्री जो है वो वाव 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 है, आज हम लोग बहुत सारे पैरामीटर्स में देखेंगे। मैं हूँ सुरभि, इंडियन गर्ल इन यूरोप। मैं जर्मनी में रहती हूँ और यूरोप और जर्मनी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाती हूँ। तो अगर आप मूव करना चाहते हैं यूरोप में तो आपको ये चैनल बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। प्लस लाइफस्टाइल वीडियोस बहुत सारे हमारे लाइफस्टाइल चैनल पे होते हैं, उसको देख के आपको पता चलेगा कि यूरोप में इंडियंस की लाइफस्टाइल कैसी होती है। तो चलो बिना कुछ टाइम वेस्ट करे हुए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले बात कर लेते हैं कुछ सिमिलैरिटीज़ की लक्जमबर्ग और जर्मनी के बारे में। तो अगर सिमिलैरिटीज़ की बात करें तो दोनों ही कंट्रीज़ में यूरो करेंसी चलती है, दोनों ही यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, दोनों की ऑफिशियल लैंग्वेज जर्मन है, और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं दोनों में ही। इसलिए इंडियंस के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो हो सकता है, क्योंकि आपको वेज मिलेंगे कि आप कैसे मूव कर सकते हैं। प्लस आपको ये भी क्लैरिटी मिलेगी कि लक्जमबर्ग और जर्मनी में से कौन से कंट्री जो है वो बहुत अच्छी है। मैं जब रिसर्च कर रही थी इस टॉपिक पे, तब मुझे पता चला बहुत ही शॉकिंग चीज़, वो ये थी लक्जमबर्ग के बारे में कि लक्जमबर्ग में बहुत सारे बिलियनियर्स रहते हैं, अराउंड 266 बिलियनियर्स, दैट इज़ मोर देन पूरे यूरोपियन यूनियन का अगर आप काउंट करो तो। दैट मींस लक्जमबर्ग जो है वो एक अमीरों का देश है और अमीर लोग ही लक्जमबर्ग में रहते हैं। पैसा ही पैसा होगा। ऐसे में क्या जो लोग बाहर से मूव करते हैं लक्जमबर्ग वो भी अमीर हो जाते हैं? क्या उनकी भी सैलरीज बहुत अच्छी होती है? उनके एक्सपेंसेस कितने होते हैं? कौन सी अच्छी बात है लक्जमबर्ग के बारे में या कौन सी अच्छी बातें नहीं है वो भी बताते हैं। बट ये वाला पॉइंट जो था वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हो सकता है आप भी लक्जमबर्ग में मूव करके बहुत ही रिच बन जाओ, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे रिच लोग जो है वो रहते हैं। सबसे पहला पॉइंट है जो कि हम बात करेंगे ऑफिशियल लैंग्वेज लक्जमबर्ग की और जर्मनी की। तो अगर लक्जमबर्ग की बात करें तो लक्जमबर्ग भी यूरोपियन यूनियन का पार्ट है और जर्मनी भी यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। लक्जमबर्ग की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो लैंग्वेज है, वो फ्रेंच, जर्मन और लक्जमबरिश। जबकि अगर हम बात करें जर्मनी की, तो जर्मनी की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो जर्मन है। ऑफ कोर्स जहाँ जहाँ बॉर्डर्स एरिया है वहाँ पर लोग दूसरी भी लैंग्वेज बोलते हैं जिस पे भी बॉर्डर पे पड़ता है, बट ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो जर्मन है। इसी का एक फ़ायदा लक्जमबर्ग में ये है कि लक्जमबर्ग में जो एक्सपैट्स पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, प्लस वाइडली इंग्लिश जो है वहाँ पर बोली जाती है, और बहुत सारे जॉब्स में जो है वो इंग्लिश रिक्वायरमेंट होती है। वेयर एज जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री या ऐसी फील्ड्स में जिसमें जर्मन का लेना देना नहीं है, वहाँ पर तो ठीक है आपका इंग्लिश में काम चल जाता है। लेकिन अगर हम बात करें वाइडली जॉब्स के लिए कौन सी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है, तो वो है जर्मन। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो अगर वाइडली स्पोकन प्लस एक इंटरनेशनल काइंड ऑफ एनवायरनमेंट की बात करें प्लस जॉब मिलने की बात करें इंग्लिश में, तो इसमें मुझे लगता है कि लक्जमबर्ग के पास एडवांटेज है। अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन की। लक्जमबर्ग जो है वो वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री है, मतलब लक्जमबर्ग के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, ये बात तो सही है। पर बिकॉज लक्जमबर्ग बहुत छोटा है तो पर कैपिटा वाइज की वजह से वो वेल्थीएस्ट कंट्री है वर्ल्ड की। वेरस अगर हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी भी वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमी में से एक कही जाती है। तो दोनों कंट्री जो है वो एक दूसरे को कॉम्पिटिशन देती है। और यहाँ पर एक फैक्टर आ जाता है, वो है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन अगर जर्मनी की बात करें तो जर्मनी की पॉपुलेशन अराउंड 83 मिलियन है, वेयर एज लक्जमबर्ग की पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ 6.5 लाख है। दैट मीन्स अगर हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो नंबर्स की बात करें तो जर्मनी जो है उसमें 2 मिलियन से भी ज़्यादा जॉब्स जो है वो अवेलेबल हैं राइट नाउ। वेयर एज अगर हम लक्जमबर्ग की बात करें तो लक्जमबर्ग में ये नंबर्स जो हैं वो काफ़ी कम दिखेंगे, हज़ारों में दिखेंगे। तो अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो, आपको अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश है, प्लस अगर आपको जर्मन भी आती है, तो मुझे लगता है कि जर्मनी के पास यहाँ पर ज़्यादा एडवांटेज है, क्योंकि आपके जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। एक वीडियो बनाया था चांसन काटे करके, जो नेक्स्ट ईयर आने वाला है वो
जरूर देखना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें हमने बताया है कि आप जर्मनी कैसे मूव कर सकते हो विदाउट जॉब, और जब जॉब ढूंढ रहे हो तब भी आप यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। वेयर इज लग्जमबर्ग का भी मैंने एक वीडियो बनाया है, जिसमें ऑफिशियल वेबसाइट गवर्नमेंट ने जो है वो लॉन्च करी है सिर्फ और सिर्फ बाहर के लोगों के लिए, लाइक हम लोगों के लिए, ताकि आप वहाँ पर जॉब्स देखो, अप्लाई करो। उसमें आप देख सकते हो इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स जॉब्स कौन सी हैं, मैक्सिमम इंग्लिश रिक्वायरमेंट की है, वो अप्लाई कर सकते हो सकता है वो जो हजारों नंबर है उसमें एक चांस आपका हो। अगर आप इन दोनों कंट्रीज में से चूज कर रहे हो, आपको ये लगता है कि क्लाइमेट या किस लोकेशन पे सिचुएटेड है, तो दोनों ही कंट्रीज जो है वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा सुंदर है। लग्जमबर्ग की बात करें तो लग्जमबर्ग का जो नेबरहुड है वो फ्रांस है, जर्मनी है और बेल्जियम है, वेयर इज जर्मनी के 9 नेबर्स हैं जो कि बहुत अच्छी अच्छी कंट्रीज हैं जहाँ पर आप घूम सकते हो। दोनों ही कंट्री का जो लोकेशन है वो बहुत अच्छा है, प्लस यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, तो आप घूम सकते हो अनलिमिटेड। लग्जमबर्ग का एक एडवांटेज ये है कि लग्जमबर्ग में जो है वो फ्री ट्रांसपोर्टेशन है अगर आप वहाँ पर रहते हो। एरिया वाइज लग्जमबर्ग बहुत छोटा है, तो ज़्यादातर लोग जो है वो सिटीज़ में ही रहते हैं, बट एक्सपेंसेस जो है वो बहुत ज़्यादा होता है लग्जमबर्ग का कंपेयर टू जर्मनी। वेरस अगर जर्मनी की बात करें, जर्मनी में पहले ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इतना ज़्यादा चीप नहीं होता था, बट अभी अभी लाइक पिछले समर से गवर्नमेंट ने जो है वो बहुत सारे ऐसे ऑफर्स निकालने लगे हैं, जिसमें जर्मनी भी जो है वो वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। ऑफकोर्स फ्री नहीं होता, बट यहाँ पर 49 यूरो टिकट होता है, जिसमें आप कहीं पर भी जर्मनी में ट्रांसपोर्टेशन जो है यूज़ कर सकते हो, चाहे वो बस हो, ट्रेन हो और ट्रैम्स हो। क्लाइमेट की बात करें तो दोनों ही जगह जो है वो एक ही तरीके की रहती है, बट यहाँ पर जर्मनी के पास एडवांटेज है, क्योंकि जर्मनी में एक तो अच्छा सिनेरिक व्यूज़ वगैरह है, बहुत बड़ा है, तो अच्छी अच्छी जगह है, हर तरीके की जगह है, चाहे आप सी देखना है तो आपको सी एरिया भी है जर्मनी में, अगर आपको माउंटेन्स देखना है तो माउंटेन्स तो वन ऑफ द बेस्ट एरिया लाइक बवेरिया में वन ऑफ द बेस्ट व्यूज़ जो है वो आपको मिल जाएंगे। प्लस इंटरनेशनल एनवायरनमेंट की बात करें तो बर्लिन, म्यूनिक, फ्रैंकफर्ट जो है वो इस तरीके की सिटीज़ हैं कि आपको एकदम सिटी टाइप का कल्चर मिल जाएगा। कैजुअल सिटीज़ की बात करें तो कोलोन वगैरह हो गया, डिसेलडॉर्फ हो गया, वहाँ पर उस तरीके का एनवायरनमेंट मिल जाएगा। मतलब हर जगह आपको डिफरेंट जगह जाना पड़ेगा, पर आपको उस तरीके का एनवायरनमेंट मिल जाएगा। वेयरएज अगर हम लग्जमबर्ग की बात करें तो लग्जमबर्ग एक सिटी है, सिटी बराबर एक पूरी कंट्री है, मतलब एक ही तरीके का व्यू मिलेगा, ज़्यादातर जो है वो सिटी व्यू मिलेगा। प्लस वहाँ पर जिस तरीके की लोकेशन पे वो सिचुएटेड है, मोस्टली जो क्लाउड्स होते हैं वो ग्रे होता है, रेनी बहुत होता है, विंडी बहुत होता है, तो वहाँ के लोग इस चीज़ से थोड़े परेशान होते हैं। वेयर इज जर्मनी में भी मैं रहती हूँ तो मुझे पता है इतना अच्छा कोई वेदर नहीं होता आफ्टर अक्टूबर, बट स्टिल लग्जमबर्ग से बेटर होता है। तो ये हो गई क्लाइमेट और लोकेशन की बात। अब हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और क्वालिटी ऑफ लाइफ। तीनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं अगर आप किसी भी कंट्री में मूव करते हो। लग्जमबर्ग में कहा जाता है कि लोग जो है वो बहुत ही अच्छी रिच लाइफ जीते हैं, वेल्दी लाइफ जीते हैं, चाहे वो जॉब करने वाले हों, चाहे वो वहीं के लोकल लोग हों। वेयर इज जर्मनी में जो है वो पॉपुलेशन जो है वो डिफरेंट कैटेगरी से कैटेगराइज है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि जर्मनी में लोग जो है वो गरीबों जैसे रहते हैं, ऐसा नहीं है, बट यहाँ पर जो है वो लग्जमबर्ग से थोड़ी सी लाइफ स्टैंडर्ड में मैं देखा जाए तो कम है। उसका रीज़न ये है कि लग्जमबर्ग में जो है सैलरीज ज़्यादा अच्छी हैं, टैक्सेस जो हैं वो कम हैं, तो लोग जो है वो ज़्यादा अर्न करते हैं, लाइक उनकी जो पॉकेट में ज़्यादा पैसा सेव होता है और ज़्यादा पैसा आता है देन जर्मनी। जर्मनी के भी एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, बट अगर मैं कंपेयर करूँ लग्जमबर्ग से तो इतना ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो यहाँ पर लग्जमबर्ग को एडवांटेज है। अब अगर हम बात करें कॉस्ट ऑफ एक्सपेंसेस की, तो ऑफकोर्स क्योंकि लग्जमबर्ग में सैलरी अच्छी है, लोग अच्छे से रहते हैं, तो एक्सपेंसेस भी वहाँ पर जो हैं वो ज़्यादा हैं कंपेयर टू जर्मनी। अगर हम एवरेज एक्सपेंसेस की बात करें तो जर्मनी में जो है वो 1500 यूरो टू 4000 यूरो जो है वो एक कपल का एक्सपेंसेस है। वेयरएज अगर हम लग्जमबर्ग की बात करें तो वहाँ पर जो एक्सपेंसेस है वो ज़्यादा है, वो है अराउंड 2500 यूरो। स्टिल लोग जो है वो 10000 यूरो तक भी खर्च करते हैं एक एवरेज मैन, तो वहाँ पर एक्सपेंसेस ऑफकोर्स ज़्यादा है। अगर अब आप ये सोच रहे हैं कि आपको किस सेक्टर्स में लग्जमबर्ग में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं एंड किस सेक्टर्स में जर्मनी में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं,
तो लग्जमबर्ग इसलिए वेल्थीएस्ट कंट्री है क्योंकि वो एक बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर है। इसकी वजह से लग्जमबर्ग जो है वो इन सेक्टर्स में ज़्यादा आगे है। तो अगर आप यहाँ कहीं पर आपका एक्सपीरियंस है और अगर आप एजुकेशन कर रहे हैं तो ऑफकोर्स आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। फिर इस जर्मनी की बात करें तो अगर आप टेक में एक्सपीरियंस है या फिर डिफरेंट इंजीनियरिंग लाइक ऑटोमोटिव इंजीनियर भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा माना जाता है, प्लस ई कॉमर्स की बात करें, इवन नर्सिंग की भी बात करें, तो वो सारे जो सेक्टर्स हैं वो जर्मनी में रिक्वायरमेंट है। अब हम बात करते हैं एवरेज सैलरीज की। तो एवरेज सैलरी अक्रॉस ऑल डोमेन्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। लग्जमबर्ग की जो एवरेज सैलरी है वो अगर इन हैंड की बात करें तो अराउंड 4000 यूरो जो है वो इन हैंड एवरेज सैलरी है मंथली जो लोगों को मिलता है। वेयरएज अगर हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में इन हैंड एवरेज सैलरी जो है वो 1800 यूरोज है। तो अगर आप डिफरेंस देखो तो डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, अराउंड 33% जो है वो सैलरी ज़्यादा है लग्जमबर्ग में। अब ये दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो टैक्सेस और सोशल कंट्रीब्यूशन की बात करें तो बिकॉज टैक्सेस जो है यूरोपियन कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा कट होता है, बट उसके बेनिफिट्स भी होते हैं जिसके बारे में जर्मनी के बारे में मैंने बहुत बार बताया है। आज हम बात करते हैं इन दोनों की कंट्रीज़ के कंपैरिजन में। तो लग्जमबर्ग जो है वो यहाँ पर क्लियर जो है एक एडवांटेज है क्योंकि लग्जमबर्ग में टैक्सेस जो है वो काफ़ी कम कट होते हैं देन जर्मनी। सैलरी ज़्यादा है पर टैक्सेस कम है। तो टैक्सेस परसेंटेज की अगर हम बात करें एवरेज, तो अगर कोई इंजीनियर है या सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो इंडिया से मूव हुआ है उसका अराउंड 20-21% जो है वो टैक्स कट होगा। और सेम एग्जांपल अगर जर्मनी की लें कि अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और वो यहाँ पर जॉब कर रहा है तो उसका 40-45% टैक्स कट होगा, जो ऑलमोस्ट डबल है लग्जमबर्ग से। तो ये भी एक चीज़ है जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब दोनों कंट्रीज़ में हम बात करते हैं फ्री एजुकेशन की। यस, दोनों कंट्रीज़ जो है वो फ्री एजुकेशन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में प्रोवाइड करता है। फ्री एजुकेशन मींस नो ट्यूशन फीस, जीरो ट्यूशन फीस पे आप पढ़ सकते हो इन दोनों ही कंट्रीज़ में। पर दोनों कंट्रीज़ में ब्लॉक अमाउंट पर ईयर का जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है, या पर मंथ का है जो डिफरेंट डिफरेंट है, क्योंकि लग्जमबर्ग में मैंने पहले बहुत बार बताया आपको कि लग्जमबर्ग में जो एक्सपेंसेस हैं वो ज़्यादा हैं देन जर्मनी। तो जर्मनी में पर मंथ का जो खर्चा है, लाइक अगर आपकी ट्यूशन फीस माफ़ भी हो गई, ट्यूशन फीस आपकी नहीं है, उसके बाद जर्मनी में अराउंड 900 यूरोस जो है आपको मंथली एक्सपेंसेस फिर भी ब्लॉक कराने पड़ेंगे यहाँ आने से पहले। वेयरएज अगर हम लग्जमबर्ग की बात करें तो वहाँ पर अराउंड 1200 यूरोस है, जो कि 300 यूरोस ज़्यादा है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। बट हाँ, दोनों ही कंट्रीज़ में वेल रिकग्न यूनिवर्सिटीज है, हाई क्वालिटी एजुकेशन है, वो सब तो दोनों में सेम ही है। और ऑफ कोर्स जर्मनी में ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं देन लग्जमबर्ग में। तो ये भी चीज जो है वो अगर आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब ये तो सारे नंबर्स की बात हो गई, जो भी मैंने आपको बताया, सारी चीज में कंपैरिजन मैंने आपको बताया जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आप किसी भी कंट्री में मूव करते हैं। बट अगर हम बात करें कि आप किसी कंट्री में रहते हैं और आप वहाँ पर कितना कंफर्टेबल फील करते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपके टाइप के लोग वहाँ पर कितने हैं, कितना इंटरनेशनल एनवायरनमेंट है, कितने एक्सपैट्स हैं, या फिर हम लोग अगर इंडियंस हैं तो कितने इंडियंस हैं वहाँ पर। तो अगर हम लग्जमबर्ग की बात करें, क्योंकि वो एक बहुत छोटी कंट्रीज़ है और ज़्यादातर एक्सपैट्स के बेसिस पर चल रही है, दैट मींस बाहर के लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा बोली जाती है, प्लस बाहर के लोग हैं तो एक इंटरनेशनल काइंड ऑफ एनवायरनमेंट होता है। तो इस वजह से लग्जमबर्ग के में जो एक्सपैट्स हैं वो अपनी लाइफ को ज़्यादा रेट करते हैं देन जर्मनी। अब जर्मनी की अगर हम बात करें तो जर्मनी में बहुत सारी ऐसी जगह हैं, लाइक अगर हम छोटे टाउन्स की बात करें, छोटे गांव की बात करें, वहाँ पर आज भी लोग जो हैं वो जर्मन में ही बात करते हैं। आज भी वहाँ पर लोगों के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। आज भी अगर आप ऐसी जगह फंस जाओगे तो हो सकता है आपको दिन भर में कोई भी बात करने ना मिले आपकी लैंग्वेज में। तो जर्मनी का यहाँ पर एक डिसएडवांटेज है कि एक्सपैट्स पॉपुलेशन तो है पर वो कुछ जगह पर है जहाँ पर इंटरनेशनल काइंड ऑफ एनवायरनमेंट है, लाइक बिग बिग सिटीज़ लाइक बर्लिन हो गया, म्यूनिक हो गया, फ्रैंकफर्ट हो गया, कोलोन हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये चीज़ जो है वो क्लियरली एडवांटेज है लग्जमबर्ग की। बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि लग्जमबर्ग एक बहुत ही छोटी सी कंट्री है, तो ऑफकोर्स वहाँ पर नंबर्स अगर हम देखे जाएँ तो एक्सपैट्स के ज़्यादा हैं। यहाँ पर इतने बड़ा है जर्मनी लग्जमबर्ग के कंपेरिजन में, इंडिया के कंपेरिजन में स्टिल दोनों बहुत छोटे हैं। इतना बड़ा है जर्मनी कि ऑफकोर्स आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जगह जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट मिलेगी। तो ये था मेरा टेक दोनों कंट्री के बारे में, लग्जमबर्ग बोलें या जर्मनी बोलें।
आपने लग्जमबर्ग का वीडियो जो है वो बहुत ज्यादा पसंद किया, जॉब्स इन लग्जमबर्ग। अभी भी अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप हम लोगों को लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में, हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको सारे कमेंट्स का रिप्लाई करें और आपकी हेल्प करें अगर आप इन कंट्रीज में से कहीं मूव करना चाहते हैं। बाकी और भी लिंक्स जो हैं जो आपको हेल्प करेंगी जॉब ढूंढने में वो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है वो देखना मत भूलना। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और हाँ, आपको इस सब पॉइंट्स में से सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा लगा, अमीर वाला ही लगा होगा क्योंकि मुझे भी वही लगा, पर आपको कौन सा लगा वो ज़रूर कमेंट करना, मैं कमेंट का वेट करूँगी। एंड हाँ, टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।